पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध की खबर है और फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक किया था। फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक उनका काफिला रुका रहा। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि कुछ संगठनों ने बता रहे थे जैसा कि वो विरोध करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के का दौरा का, और ऐसी खबर आ रही है कि उनके रूट में कुछ लोग घुस आए और फ्लाईओवर पर उनका रोड ब्लॉक किया गया, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है पीएम का, और ये अगर यहां पर आप इसको रोका जाता है काफिले को, तो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी एक थ्रेट भी माना जा सकता है। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ गए। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें एक रूट लगता है, वहां पर अगर बाधित हो जाता है, उसे रोका जाता है, तो ऐसे में तो ये बड़ी चूक हो सकती है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। और चूक ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया। इस बाबत पूरा डिटेल रिपोर्ट मांगा गया है पंजाब की सरकार से, पंजाब के प्रशासन से, कि आखिर ये चूक कैसे होगी। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम की अगर बात कर रहे हैं तो काफी पहले से पंजाब की सरकार को इस बारे में सूचना दे दी गई थी, पूरा मिनट टू मिनट डिटेल प्रोग्राम दे दिया गया था। और हमेशा जब प्रधानमंत्री का कहीं का भी प्रोग्राम बनता है देश में किसी भी हिस्से में, अगर वो जा रहे होते हैं तो जिस प्लान के साथ वो जा रहे होते हैं सिर्फ उसी एक प्लान की तैयारी नहीं करनी होती है, बल्कि उसके अलावा कुछ दूसरे कंटिंजेंसी प्लान भी करना होता है। जैसे आज ये हुआ कि हेलीकॉप्टर खराब वेदर के चलते हेलीकॉप्टर से उड़ान जब नहीं हो सकी तो उसके बाद उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा। ये हमेशा इस बात की व्यवस्था की जाती है कि अगर हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा तो प्रधानमंत्री से स्थिति में क्या करेंगे, सड़क मार्ग से जाएंगे तो किस सड़क मार्ग से जाएंगे, उस सड़क मार्ग पे क्या व्यवस्था होनी चाहिए, अगर उन्हें स्टे करना पड़ जाए तो फिर वो स्टे कहाँ करेंगे। ऐसे सारे डिटेल्स ऑलरेडी प्रधानमंत्री कार्यक्रम में रहते हैं। इसके बावजूद पंजाब में आज देखने को मिला कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जबरदस्त चूक हुई, और जब वहां वो फ्लाईओवर पे पहुंचे थे तो वहां पे बहुत सारे प्रदर्शनकारी थे जो कि इकट्ठा थे, उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रही थी, और प्रधानमंत्री के काफिले को 15 से 20 मिनट तक वहां रुकना पड़ा। जाहिर तौर पर पंजाब की सरकार की, पंजाब के प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो पहले से प्रधानमंत्री का रुख क्लियर रखते ताकि प्रधानमंत्री वहां से जा सके। इन सारी चीजों का संज्ञान गृह मंत्रालय ने दिया है और अब रिपोर्ट मांगा गया है।